और आज हम और मेरा भतीजा जा रहे हैं, जैसा कि पिछले वाले वीडियो में आपने देखा होगा, गंगा जी का हमने जिक्र किया था, तो आज वहीं पर हम लोग जा रहे हैं और देखेंगे वहाँ पे क्या क्या चीज़ें और हैं देखने लायक और आपको दिखाने लायक। और रास्ता बिल्कुल वही है, कल वाली वीडियो जो आपने देखा था उसमें लिटरली कल रात में हम लोग गए जो थे पूरे एकदम फट गई थी हम लोग की, और हम लोग इसी रास्ते के थ्रू गए थे लेकिन इससे बहुत आगे गए थे हम लोग। अभी शाम के 6 बजने वाले हैं और अभी भी धूप निकली हुई है, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि शाम में जाएंगे और आपको एक सनसेट का भी एक टाइम लैप्स दिखाएंगे, अगर इफ पॉसिबल अगर ले पाए तो, अगर हम लोग टाइम से वहाँ पहुँच गए तो पक्का लेके आपको दिखाएंगे ही। ठीक है, कल रात में डर लगा था? कल रात में तो डर लगा था अंधेरा से। क्यों कौन सामने आता अचानक से? और ये खतरों का सामना करते हुए अपन जाएंगे ऑफ रोडिंग में, और ये देखिए ऑफ रोडिंग का सही का एग्जाम्पल, और संभल के चलाना होगा। भैया साइकिल इधर लेके आ गए आप तो, क्योंकि ये है बालू और अगर संभाल के चलाएंगे नहीं तो अपन गिर सकते हैं, तो अच्छे से चलाएंगे। और अभी जो रास्ता आने वाला है ना वो बहुत ही खराब आने वाला है, लिटरली आपको लगेगा कि कैसा रास्ते हम आ चुके हैं, लेकिन यही एक रीज़न था कि अभी के टाइम में कुछ ऐसे व्यू के साथ आपको ये ब्लॉग शूट करके दिखाया जाए। अभी ऐसे ऐसे बहुत सारे पत्ते खुलने वाले हैं और वो धीरे धीरे एक एक करके वीडियो में आते रहेंगे, और अगर आपको वीडियो मिस नहीं करना है तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और यही एक रीज़न था कि आज हम बुलेट लेके आए हैं, क्योंकि स्कूटी और ऑटो वाले बाइक से ये रास्ता सही से हम लोग कवर नहीं कर पाते। अभी भी डर लग रहा है? अभी भी डर लग रहा है, तो हमको विश्वास नहीं है। मेरे रूममेट को बुखार लग गया था ऐसे रास्ते में हम गाड़ी चला रहे थे, तो हम आंख बंद करके भी गाड़ी चला सकते हैं इस रोड में, तुम्हारा दिल फेल हो जाएगा। और ये देखो बहुत अच्छा रास्ता, और मैं भतीजे ने आंख बंद कर लिया है क्योंकि उसको डर लग रहा है। अब हो गया चला गया। Yes, हम लोग पहुंच गए, और देवी सजनों, और ये देखिए हमारे गांव का गंगा जी जो कि काफी बुरी हालत में है, अभी बहुत ही खराब हालत में, और रास्ता काफी अब खराब हो चुका है क्योंकि पहले क्या था वो मिट्टी था, अब यहाँ पे बालू है, तो हमें संभल संभल के चलना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे मछली भी मरा रहा है, वाह। और यहाँ पे कुछ देर अपन टाइम बिताएंगे, उसके बाद फिर जाएंगे घर। So, अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे गंगा जी में, क्योंकि गंगा जी पहले जो था काफी अच्छा था, काफी दूर तक था, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो काफी दूर तक था ये, लेकिन अब जो है ये काफ़ी सूख सा गया है और यहाँ पे काफ़ी घास वगैरह भी हो गया है। अगर पहले की तरह होता ना बॉस तो बहुत मज़ा आता, बहुत दूर तक था ये गंगा जी और बहुत अच्छा दिखता था। यहाँ पे इस वक्त इसीलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पे सनसेट अभी बहुत प्यारा हो रहा है, और हमारे कैमरामैन मेरा भतीजा पृथ्वीराज चौहान कैमरा को अच्छे से पकड़ते हुए, और यहाँ पर जैसे देख रहे हो यहाँ पर अभी सभी लोग जा रहे हैं
मछली वाले सब मछली लेके जा रहे हैं, बहुत लोग ने जाल बिछा दिया यहाँ पे, तो अभी लोग जा रहे हैं। अभी अपन यहाँ पे थोड़ा देर बैठेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से जाएंगे। रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था और ये सीन कुछ ऐसा ही हो गया जो आप लोगों ने बजरंगी भाईजान में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कहा था, जो साइड से जाइए, ऐसा ही हम भी ऐसा कुछ सीन कर रहे थे अभी। ठीक है, सो अब हम जा रहे हैं घर वापस, क्योंकि सनसेट ऑलमोस्ट हो ही चुका है और यहाँ पे लोग भी सब जा चुके हैं। और ये है हमारा कैमरामैन, मेरा भतीजा पृथ्वीराज चौहान। हाय कह दो। लोग तुम्हें जानना चाहते हैं, बताओ तो सही। मेरा नाम पृथ्वीराज चौहान है। अच्छा, मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ। अच्छा, संत कैडन सेकेंडरी स्कूल। और मैं 7B में हूँ। और मेरा एम है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना। अरे वाह, जब तुम्हारा शादी होगा पृथ्वी, तुमको शादी ही नहीं करना है। इनसे मिलिए, ये है ऑल टाइम फेवरेट बैचलर। चलो चले मितवा। अच्छा, और ये लोग रात के लिए जाल बिछा देंगे और रात भर ये जाल बिछा रहेगा ताकि मछली सुबह में फंसे और ये लोग फिर बेचना स्टार्ट कर दे, तो ऐसा ही कुछ होने वाला है इनका। और ये संभल के चलाना पड़ेगा। एक्चुअली हम लोग प्लान कर रहे हैं कि कल सुबह में अगर हम लोग कल उठ जाए तो हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि अपन आएंगे यहाँ पे दूसरे वाले गंगा जी में, जहाँ पे एक्चुअल में थोड़ा ज़्यादा पानी है और वहाँ पे नाव वगैरह चलती है, तो नाव का विहार अपन करेंगे। और ये देखिए कुछ ऐसा सनसेट हो चुका है अब। और अभी जो है उतारने वक्त तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन अभी इंक्लाइन है तो काफ़ी हमें आराम से चलना होगा इस पर। देख लो ऐसा कुछ, तो हौले आराम से बैलेंस बनाते हुए चलेंगे। और मेरे भतीजा का डर जीरो हो गया। आप कितना रेटिंग दोगे? जीरो रेटिंग। अरे 8 कर दे क्या? 8 कर दे। बाप रे, बच्चा निगर बन गया है। और हमारे साथ रहोगे तो ऐसे ही एकदम डर पे जीत हासिल करोगे। और अब जो है विजिबिलिटी थोड़ी कम हो गई है, तो आराम से चलना पड़ेगा। और कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है यहाँ पे, इधर भी खुला आसमान। और ऐसे ही है काम हमारा। और अभी तो हमने बहुत कम पार्ट दिखाए हैं आपको, अभी बहुत ज़्यादा पार्ट सबको देखने बाकी हैं। और ये रास्ता पहले पूरा एकदम पानी में डूबा हुआ रहता था, लेकिन अब देखो पूरा एकदम सूखा सा। सावधानी बरतते हुए इसी में तो किक है। और ये देखिए खतरों का खिलाड़ी, मजा आया? कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है। और अभी हम ऊपर आ चुके हैं, क्योंकि नीचे जो था काफी धूप था। और कल जो हम लोग गए थे ना बॉस गंगा जी, मतलब बहुत मजा आया था। और जैसे वहाँ से घर आए तो पापा एक्चुअली फिर वहीं जा रहे थे, तो उनके साथ मुझे जाना पड़ा। और पापा के साथ अपन सूट नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे गए मछली लेके आए। जो मछली आपने देखा था थंबनेल में वही मछली हम लोग लेके आए, और भी बहुत सारी मछली थी लेकिन वो सबसे ज़्यादा बड़ा था। और काश हम वहाँ पे सूट कर पाते और आप लोगों को दिखा पाते, लेकिन वही एग्जैक्ट पोजिशन पर गए थे हम लोग जहाँ पर आपने देखा था वो मछली वाले सब थे। तो बहुत मज़ा आया कल। और हम ये सोच रहे थे कि काश वहाँ पे फिशिंग कर पाए, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसा मीडियम नहीं था जिससे हम फिशिंग कर पाए, और ना ही वहाँ पे कोई ऐसा स्पेस था जो हम ये सब कर पाते। लेकिन हमारा प्लान था करने का, अगर ऐसा कुछ प्लान बनता है तो आपको ज़रूर बताएंगे। और एक्चुअली आज सुबह में हमारा जाने का प्लान था नौका विहार करने के लिए, लेकिन आज सुबह में हम नहीं उठ पाए। बहुत 3:30 बजे सब जा रहे थे मेरे भैया वगैरह, तो उन्होंने फ़ोन किया, लेकिन नींद इतनी गंदी आई हुई थी कि नींद हमारी खुली ही नहीं और अपन सोए रह गए। सो इस वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं, क्योंकि अभी जाना है शाम के वक्त मुझे मार्केट। तो अपन जाएंगे, एक अंकल का शॉप है, वो शॉप के अंदर से अपन कपड़े लेके आएंगे, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड कपड़े थे हम दिल्ली से लेके आए थे जो, और वही बार बार रिपीट हुए जा रहा है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, खराब लगा हो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको हमारे गांव का गंगा जी और बाकी सब चीज़ें कैसी लगी। तो चैनल पे अगर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना।
और जैसा कि आपको पता है कि हम इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी है, तो वहाँ पे भी हमसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। और तब तक के लिए अपना जो है ख्याल रखिएगा, घर पर रहिएगा और सेफ रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।